और सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन देखिए, बहुत लोग बना के भेज भी रहे हैं, बहुत अच्छा बात है जो भेज रहे हैं। हमारे इस क्वेश्चन में जीपी पढ़ रहे हैं, हमको इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ए हमारा 5/2 है, ए हमारा 5/2 है, और आर होता है कॉमन रेशियो, आर होता है कॉमन रेशियो, आर का वैल्यू होता है T2/T1, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को डिवाइड करो 5/4 और नीचे 5/2, ये डिवाइड करोगे तो 5/5 कैंसिल हो जाएगा, 2/4 मतलब 1/2 आएगा, तो आपका दो वैल्यू आया, ए मालूम चल गया, आर मालूम चल गया। हमको टीएन चाहिए, हमको जब टीएन चाहिए तो ए आर पे पावर एन माइनस वन यही है, तो टीएन इक्वल टू ए है हमारा 5/2 और आर पे पावर एन है, तो आर की जगह पे 1/2 पे पावर एन माइनस वन, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको और बढ़ाने का मन है, क्या करोगे, tn इक्वल टू 5 ऊपर हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा इनटू 2 पे पावर n माइनस 1, तो 5/2 पे पावर n, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 है और 2 है, इनटू करोगे पावर ऐड होगा, यही हमारा tn होगा। तुमको इस क्वेश्चन में T20 पूछा है, तो इस क्वेश्चन में अगर T20 पूछा है, T20 का मतलब है ए आर पे पावर 20-1, फॉर्मूला याद रखो, ए आर पे ए के जगह पे 5/2, आर का वैल्यू 1/2 है, 20-1 19, यहाँ पर 5 नीचे 2 इंटू 2 पे पावर 19, पावर ऐड होता है 5/2 पे पावर 20, कैलकुलेशन नहीं करना है, बस यही आंसर छोड़ देना है। हमको जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और टीएन निकालने बोले, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म जानना है ए, जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फिर हमको आर जानना है, आर हमको कॉमन रेशियो होता है, आर T2/T1 T3/T2 सबका सेम वैल्यू आना चाहिए, आर और ए निकल जाता है तो हमारा टीएन फॉर्मूला होता है ए आर पे पावर एन माइनस वन, जस्ट नीचे भी टीएन है ए आर पे पावर एन माइनस वन, तो आर की जगह 1/2 के ऊपर एन माइनस वन, तो वन तो वन है, नीचे 2 है, 2 के ऊपर पावर आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही टीएन हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं सबसे बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं सबसे बनेगा, नहीं बनेगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, टेंशन किसी को नहीं लेना है, ठीक है, इजी क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। 2 2 root 2 4 dot 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 last term 128 के बाद कुछ होता है आपको नहीं पता है, ये डॉट 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 है मतलब ये लास्ट टर्म 128 है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल कितना टर्म है, जैसे टोटल कितना टर्म है मतलब ये अगर फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म ये थर्ड टर्म, तो 128 कौन सा टर्म है, बस यही बता दीजिए, बात खत्म, जल्दी बताइए, 2 मिनट 5 मिनट। हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ए इज इक्वल टू 2 है, आर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो को पता है बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को डिवाइड करते हैं, तो कॉमन रेशियो का वैल्यू रूट 2। अब हमारा टीएन का वैल्यू, टीएन का वैल्यू 128 है, तो ए भी है आर भी है और टीएन भी है। अब हमारे इस क्वेश्चन में हमको एन का वैल्यू बताना है, तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए आर पे पावर एन माइनस वन इक्वल टू 128, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, tn = 128 है, tn के जगह a r पे पावर n माइनस वन, a का वैल्यू 2 है, r का वैल्यू रूट 2 है, होल पावर में n माइनस वन, इधर 128 है, ये 2 से 128 कैंसिल हो गया, रूट 2 पे पावर n माइनस वन, इधर कैंसिल करोगे ये 64 हो जाएगा, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, तो 2 के पावर में n माइनस 1/2, ये करने के बाद इक्वल टू में 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर, सोच के बताओ, इसको हम 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं, करके देख लीजिएगा, 2 4 8 16 64 होता है, तो ये गलती हो जाता है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, देखिएगा दोनों का बेस सेम है, इस कारण हम क्या बोल सकते हैं, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, दोनों का बेस सेम है मतलब आप बोल सकते हैं n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, n का वैल्यू 13,
ये क्वेश्चन हम समझाएं, आपको समझ में आना चाहिए। हमारा जो सीक्वेंस है अच्छे से देखिए, हमारा जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, उस सीक्वेंस में साफ साफ आपको दिख रहा है ए का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, डीएन भी पता है, तो सब पता है, तो पूछ क्या रहा है कि वह कौन सा टर्म है। तो हम उस इक्वेशन में फॉर्मूला में पुट करने के बाद जब इसको आगे बढ़ाए तो यहाँ से हमको फाइनली एन का वैल्यू 13 निकला, मतलब वह टर्म जो है 128 वो 13 टर्म है, मतलब 13वां टर्म है। सेम कहानी आपको दे सकते हैं पर आप खुद से बनाइएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। इसको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सबको समझ में आया हो, अब नहीं आया होगा तो उसके लिए देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, -2/7 x और 2/7 r in gp, तो फाइंड -2/7 x और 2/7 है कि -2/7 है देखना होगा, मेरे बुक में तो लगता है -2/7 है, ये क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है -2/7 जो लिखा है वही लिखिए। चलिए -2/7 x और -2/7 ये सीक्वेंस को लिखा है जीपी में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जल्दी से कीजिए, कोशिश कीजिए, अगर बनता है तो अच्छा है। x का वैल्यू बताना है, हम टाइम दे रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, t1 t2 t3 ये तीन टर्म है। नियम होता है जीपी का t2/t1 इक्वल टू t3/t2, तो t2 स्क्वायर इक्वल टू t1 इनटू t3। यहां से अगर देखा जाए तो t2 स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इक्वल टू -2/7 और जस्ट बगल में -2/7, ये चूंकि दोनों सेम वैल्यू है x स्क्वायर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करोगे 4/49, तो x का वैल्यू प्लस माइनस हमको सवाल लगता है गलत है, बुक में मेरा मिसप्रिंट है, लेकिन जो भी है 2/7 यही आएगा, मतलब वो x का वैल्यू प्लस माइनस 2/7 होना चाहिए, पर हमको जहां तक लगता है बुक का जो क्वेश्चन होगा, किसी को क्वेश्चन होगा तो -2/7 x और यहां होना चाहिए 7/2, ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा इस तरह का होना चाहिए। अब जो भी है क्वेश्चन जो भी हो, अब मैं बुक में जैसा है वैसा हम दिखा दिए, ये t1 ये t2 ये t3, यहां से अगर देखा जाए फिर से वही कहानी, x स्क्वायर इक्वल टू -2/7 इनटू -7/2, ये दोनों को कैंसिल करो 7/7 कट जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x का वैल्यू प्लस माइनस 1, दोनों का कहानी वही है, बस आपको दिमाग में क्या रखना है, जो भी टर्म अगर जीपी में है तो t2/t1 इक्वल टू t3/t2, उसके हिसाब से आप वैल्यू पुट करो और निकाल लो। तो क्वेश्चन चूंकि हम इस तरह से लिख दिए, चूंकि मेरे बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ऐसा होगा आपके बुक में एनसीईआरटी या जो भी बुक खोलोगे इस तरह का क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन था, इसको अपना दिमाग पे लोड नहीं लेना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, इसको छोड़िए, इसको भूल जाइए, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी, फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द 12th, ये सही फालतू क्वेश्चन है, इसको हटाओ, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी, इजी इजी क्वेश्चन दे रहा है, कौन सा टर्म निकालना है, एक जीपी का 12th टर्म निकालना है t12, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी, जबकि उसमें टी क्या दिया हुआ है, t8 मतलब आठवां टर्म दिया हुआ 192, वो जीपी का आठवां टर्म दिया है 192 एंड कॉमन रेशियो, और उस क्वेश्चन में उस जीपी का कॉमन रेशियो आर का वैल्यू 2 दिया हुआ है, बस यही क्वेश्चन है एकदम शॉर्टकट में। हमारे जीपी में हमारा 12 टर्म फाइंड करना है जबकि उसका आठवां टर्म दिया हुआ है 8 टर्म 192 और उसका कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2, तो 2 मिनट का टाइम देते हैं, जैसे भी बनाना है जल्दी से भी। ये हमारे t8 इक्वल टू 192, a r के पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू 192, a r का वैल्यू पता होना चाहिए 2 के पावर 7 इक्वल टू 192, यहां से अगर देखा जाए तो a इक्वल टू 192 डिवाइड में 2 के पावर 7, अगर गलत है तो बताइएगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो a इक्वल टू, इसको कैंसिल करोगे 2 से ये हो जाएगा 9, 6, 2 पे पावर 3, फिर 2 से कैंसिल करोगे तो 4, 8, 2 पे पावर क्या हो जाएगा 5, फिर से कैंसिल करो 24, हम पूरा कैंसिल कर रहे हैं 2 पे पावर 4, फिर से कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा 12, 2 का क्यूब, फिर से कैंसिल करो कितना हो जाएगा a का वैल्यू फाइनली 2 से कैंसिल तो 6,
फाइनली ए का वैल्यू आ जाएगा 3/2। आपको डायरेक्ट भी कर सकते थे, काट सकते थे, पर हम क्या किए पूरा लाइन बाय लाइन धीरे धीरे काटे कि आपको कहीं पर कंफ्यूजन नहीं हो। ए का वैल्यू निकल गया, हमको चाहिए क्या T12 A R पे पावर 12 माइनस में A फर्स्ट टर्म है 3/2, R हमको क्या है कॉमन रेशियो 2 पे पावर 11, तो यहाँ से 3 पे पावर 10। किसी किसी को लगता होगा कि अब हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे, 2 को 10 बार गुना करना है तो कीजिए, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 × 2 पे पावर 10, क्योंकि इतना कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन देंगे आपको समझना है, ये इजी क्वेश्चन था, इसका टेंशन मत लीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन मतलब सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। कितने टर्म का निकालना है? 20 टर्म का, n टर्म का। एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, एकदम सिंपल, 2, 4, 8, 16। ये क्वेश्चन है, इसमें हमको सम निकालना है 10 टर्म का, 10 टर्म का सम निकालना है। फिर आगे इस तरह का क्वेश्चन देंगे, ये जीपी का है, ये जीपी का है, 2, 4, 8, 16, ये डॉट डॉट है, इसका स्टेन निकालना है, मतलब कितना टर्म का, 10 टर्म का, समेशन निकालना है जल्दी से, एकदम टाइम नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि आप भी समझिए इसमें 10 मिनट है, नहीं ध्यान दीजिएगा, हमको सम का फॉर्मूला जानना है। हमारा जो सम है SN, A, R पे पावर n माइनस 1 डिवाइड में R माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है जब R का वैल्यू 1 से बड़ा हो। हम इस क्वेश्चन में A का वैल्यू 2 देख रहे हैं, R का वैल्यू भी 2 है, कॉमन रेशियो, हमको S 20 निकालना है। हमारे फॉर्मूला से A R पे पावर 20 माइनस 1 नीचे R माइनस 1, करना कुछ नहीं है, A के जगह पे आपको वैल्यू डालना है 2, R के जगह पे भी 2 डालना है, माइनस 1 नीचे 2 माइनस 1, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, 2 पे पावर 20 माइनस 1। इसके बाद कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, बस ये बेसिक क्वेश्चन था कि अगर हमको ए मालूम है, आर मालूम है, और कभी भी सम निकालने बोले जितना टर्म का, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बस आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो इसका यूज करेंगे, अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो तो किसी और का यूज करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, हमारे इस मीटिंग में केवल 5 मिनट है, आप लोग बनाना होगा तो बनाइएगा, नहीं बनाना होगा तो नेक्स्ट मीटिंग में बनाएंगे। समेशन, ए का वैल्यू 1 से लेके 11 2+3 के पावर के, ये क्वेश्चन है, जो बना सकते हैं बनाइए, ये जीपी का ही क्वेश्चन है, जो बना सकते हैं बनाइए, नहीं बना सकते नेक्स्ट मीटिंग में। इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं, 5 मिनट है फिर भी, तो 4 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को बनाइए। ये समेशन का मतलब जानिए, सम होता है, और k का वैल्यू 1 से लेके 11 तक है, इसको कैसे क्या करना है आप सोचिएगा, हम नेक्स्ट मीटिंग में बात